जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस बाय आरपीएफ को देखेंगे, जो पिछले एक सालों में आरपीएफ ने बहुत ज्यादा इस पर इनिशिएटिव किया है और जिसके कारण आरपीएफ को काफी प्रसिद्धि भी मिली है कि वो रेल सुरक्षा और यात्री सुरक्षा में काफी तत्पर रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के वीडियो को। आशा करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जानकारी में ज्ञानवर्धन होगा और आपके एग्जाम में एक नंबर श्योर हो जाएगा और इसी ऑपरेशंस में से कोई एक ऑपरेशन आपके एग्जाम में जरूर टकराएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में मैं पहले जो पूरे ऑपरेशंस बनाए हैं, आरपीएफ के बहुत सारे ऑपरेशंस हुए हैं, लमसम 25 के आसपास है, वो सारे ऑपरेशंस के एक वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में मैं उसका लिंक लगा दूंगा, आप उसे जा करके जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले इस वीडियो में देखते हैं कौन कौन से इनिशिएटिव ऑपरेशंस आरपीएफ ने पिछले एक साल में किए हैं। ऑपरेशन इनिशिएटिव्स बाय आरपीएफ, सबसे पहला जो चर्चा में रहा वो रहा रेल सुरक्षा। रेल सुरक्षा का मतलब क्या हुआ? ऑल ड्राइव्स विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन, डिटेक्शन ऑफ क्राइम अगेंस्ट रेलवे प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बुक्ड कंसाइनमेंट, एफर्ट टू रिड्यूस एनी लीकेज ऑफ रेलवे रिवेन्यू। मतलब रेल संपत्ति और बुकशुदा संपत्ति के संबंधित होने वाले क्राइम को, होने वाले अपराध को रोकने के लिए जो ऑपरेशन चलाया आरपीएफ ने, उसका नाम है ऑपरेशन रेल सुरक्षा। इसके बाद यात्रियों की सुरक्षा के लिए चलाया ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। ये बहुत ही मेन इनिशिएटिव्स है। 139 अब 182 और 138 को मर्ज करके 139 यूनिफाइड नंबर बना दिया गया है रेलवे हेल्पलाइन। साथ ही साथ ड्राइव्स किए गए प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ पैसेंजर क्राइम, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, रेल मदद के अंतर्गत फेसबुक पे आए हो, ट्विटर पे आए हो या कू ऐप पे आए हो, किसी भी सोशल मीडिया पे आए हो, वहां से यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह इनिशिएटिव लिखा गया, तो इसका नाम है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। तीसरा जो काफी महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन नार्कोस। 2019 में हमें पावर मिला एनडीपीएस का और नार्कोस जो है उसके बाद एक्टिव हुआ। नार्कोस में काम क्या है? एक्शन अगेंस्ट नार्कोटिक स्मगलिंग। नार्कोटिक स्मगलिंग के में आरपीएफ जो पूरी तरीके से इनिशिएटिव ले रही है और ये है ऑपरेशन नारकोश। इसके बाद ऑपरेशन मातृशक्ति। मातृशक्ति आपने देखा होगा, ऑल ड्राइव्स विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ असिस्टेंस टू प्रेग्नेंट वुमेन पैसेंजर इन चाइल्ड बर्थ। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन ट्रेन में सफर करती है और अगर उनका चाइल्ड बर्थ का इश्यू आता है, लेबर पेन होता है, उस समय ऑपरेशन मातृशक्ति के तहत आरपीएफ ने बहुत सारी महिलाओं को हेल्प किया और उस हेल्प के कारण जो है आरपीएफ की काफी सराहना हुई। तो ऑपरेशन मातृ शक्ति। उसके बाद ऑपरेशन उपलब्ध, लोगों को तत्काल के टिकट, रेलवे टिकट्स नहीं मिल रहे हैं और उसके लिए क्या किया गया? ऑपरेशन उपलब्ध का चलाया गया, ऑल ड्राइव विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन अगेंस्ट टाउट, एक्शन अगेंस्ट ट्रेवल स्प्रेडर, एक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज एंट्री इन रिजर्व कोच ETC टू इंश्योर अवेबिलिटी ऑफ एकोमोडेशन इन ट्रेन टू बोनाफाइड पैसेंजर। तो इसमें देख लीजिएगा, टाउटिंग, एक्शन अगेंस्ट ट्रेवल स्प्रेडर, एक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज एंट्री इन रिजर्व कोच, ये सारी चीजें हैं ऑपरेशन उपलब्ध के अंतर्गत। अगला जो ऑपरेशन है जिसके लिए कि सिक्योरिटी सर्कुलर आ गया, सिक्योरिटी सर्कुलर का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, डायरेक्टिव के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा। ऑपरेशन आहट, AAHT, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, एक्शन अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज अ फुल फॉर्म, रेस्क्यू ऑफ विक्टिम फ्रॉम द क्लचेज ऑफ ट्रैफिकर्स, अप्रिहेंशन ऑफ ट्रैफिकर्स। किसी को भी, कोई भी पीड़ित अगर ट्रैफिकर के हाथ में चला गया है तो उससे ट्रैफिकिंग से बचाने के लिए ऑपरेशन आहट का जो है शुरुआत किया गया है। आप सभी लोग कमेंट करिएगा कि ऑपरेशन आहट से संबंधित सिक्योरिटी सर्कुलर नंबर किस वर्ष निकाला गया और कितना है। चलते हैं आगे। अगला जो है इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन दूसरा। ऑपरेशन दूसरा आप पिक्चर में देख रहे हैं, कहकर, तो ये ड्राइव अगेंस्ट अनऑथराइज हॉकिंग ऑब्लिक बेंडिंग, ड्राइव अगेंस्ट अनऑथराइज सेलर इन रेलवे एरिया, दैट इज क्या है? दूसरा। तो दूसरा का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, पूरा फुल फॉर्म हमने लिखा, ड्राइव अगेंस्ट अनऑथराइज, एस से हो गया सेलर, इन आर से हो गया रेलवे, ए से हो गया एरिया, दैट इज दूसरा। उसके बाद ऑपरेशन व्हीलैप। व्हीलैप चला किसके लिए? कछुआ पकड़ा गया और भी कोई भी वाइल्ड लाइफ जो है पकड़े गए,
एनिमल, तो उसके लिए विलेप चला, तो ड्राइव अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल बॉडी पार्ट्स, फ्लोरा, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक फॉरेस्ट वुड, सैंडलवुड ईटीसी। तो विलेप का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो है ये ऑपरेशन विलेप। इसके बाद आप हमेशा देखते होंगे ट्विटर पे, गुड वर्क डन पे, हर जगह पर, यूट्यूब पे वीडियोस, ऑपरेशन जीवन रक्षा, आरपीएफ ने लोगों के जीवन को बचाया। तो यात्री ट्रेन से चढ़ते उतरते समय क्या होता है, वो किसी प्रकार से स्लिप हो जाते हैं और पटरी में चले जाते हैं या फिर गिर करके उनकी जान मृत्यु हो होने की संभावना रहती है। उस समय जब आरपीएफ जो सुरक्षा करता है, लोगों के जीवन को बचाता है, इसलिए उसका नाम रखा गया है ऑपरेशन जीवन रक्षा। तो ये पिछले एक साल में काफी महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स आरपीएफ के द्वारा लिए गए, जिसके कारण आरपीएफ की काफी सराहना हुई, प्रसिद्धि भी मिली है, और आरपीएफ को यह कहा जाने लगा है कि जब तक आरपीएफ है रेल में तो यात्री सुरक्षित तरीके से अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा, साथ ही साथ आपके परीक्षा उपयोगी तथ्यों को शामिल किया गया इसमें। इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।